पी चिदम्बरम के बयान पर देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हमला बोला है। जेटली ने कहा है कि जनता को कांग्रेस से कड़े सवाल करने चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि अलगाववादी 1953 से पहले का कश्मीर मांगते हैं, जब जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री हुआ करता था। जो लोग ऑटोनॉमी की बात करते हैं वो प्री 1953 स्टेटस की बात करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वहां पर प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर ना हो, वहां पर सरदर रियासत हो, गवर्नर ना हो। और प्री 53 में दो और चीजें थी कि चुनाव आयोग की और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से भी कश्मीर बाहर हो। ये जो संवैधानिक संबंध है कि कश्मीर हमारा एक अटूट अंग है, उस संवैधानिक संबंध को और कमजोर कर दो, जबकि हमारे सैनिक, हमारे फौजी, हमारे सुरक्षाकर्मी, हमारे पुलिस वाले और पूरे देश की भावना उनके साथ जुड़ी हुई है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये जो पोजीशन ली है, उसके नेतृत्व ने और देश के गृहमंत्री रहे हुए व्यक्ति ने ली है, तो मुझे लगता है कि इस देश की जनता को बहुत कड़े प्रश्न उनसे पूछने चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भी पी चिदम्बरम के इस बयान पर निशाना साधा था। क्या कुछ उन्होंने कहा था, ये सुनते हैं। आप सब इतनी बड़ी संख्या में और इतने उत्साह और उमंग के साथ यहां आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक भी विकास की यात्रा में तेज गति से जुड़ना चाहता है और आने वाले चुनाव के बाद कर्नाटक भी विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित हो जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है।